मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? टाइम इस वक्त हो रहा है, ये देखिए 8:45 हो रहे हैं। बाहर का हाल कुछ ऐसा है कि कड़क धूप है, धूल मिट्टी वाला मौसम है, और अंदर का हाल बताऊं तो ना लाइट है, ना लाइट है, ना पानी है। दोनों ही जो बेसिक नीड होती है ना इंसानों के लिए कि पानी चाहिए, देखिए पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। और जब तक पानी नहीं आता, जब तक लाइट नहीं आती, तब तक मेरे कोई भी काम नहीं हो सकती। इवन और हाँ, मैं क्या कह रही थी कि शाम के टाइम इतनी आंधी चलती है, इतनी आंधी चलती है कि विंडोज के जो बीच में से जो इस तरह की होती है ना, ये जो जहाँ से विंडो, यहाँ यहाँ से भी हल्की हल्की बिल्कुल बारीक डस्ट आ जाती है, और टीवी पे, टेबल पे, बेड के जो बैक साइड में, सब जगह डस्ट ही डस्ट, डस्ट ही डस्ट। और साफ करने के लिए भी मुझे पानी चाहिए, पानी है नहीं, चाय पिए बस मैंने अभी, बाकी कुछ भी नहीं किया है। अभी अभी जस्ट हर्षित निकला है स्कूल के लिए, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। लाइट का भरोसा नहीं कब तक आएगी। शादी की तैयारियाँ चल पड़ी हैं, टेंट वेंट लगने स्टार्ट हो गए हैं। जिस लड़की की शादी है उसको मैंने आज खाने पे बुलाया है, तो वो मेरी फ्रेंड टाइप है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है हमारे बीच में, उसे खाने पे बुलाने वाली हूँ आज दिन में। लंच पे खुद भी मतलब सिंपल सा खाना बनाऊंगी, सोच रही हूँ आलू की सब्जी पूरी, कचौरी वाली आलू की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन उसके साथ मैं बनाऊंगी पूरी, साथ में होगा रायता, सैलड हो जाएगा, और कस्टर्ड बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे लाइट चाहिए। कपड़े मैंने कल रात को वॉश कर रहे थे, जो मैंने सुबह डाले हैं, रात को नहीं डाल सकते कपड़े, मतलब 12 बजे के बाद जो है ना कपड़े सूखने के लिए डालना अलाउड नहीं है यहाँ पे, आंधी अलाउड नहीं करती है, इतनी हवा चलती है कि पेड़ ही उखड़ जाते हैं जमीन पर से। तो चलिए फिलहाल मैं लाइट का वेट कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं, देखते हैं कब तक आती है लाइट, मिलते हैं आपको। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं फ्री हुई हूँ, जैसे ही लाइट आई वैसे ही मैंने सबसे पहले पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था, नहा के ब्रेकफास्ट करके मैं हो चुकी हूँ फ्री, और खाना भी मैंने लगभग बना दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर मैंने बना दी है आलू की सब्जी, मतलब पूरी के साथ के लिए, आटा भी मैंने लगा दिया है पूरी वाला, चटनी भी है मेरे पास, और रायता भी मैंने बना दिया है, बस मीठे में मुझे कस्टर्ड बनाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 मिनट का काम है, 1 बजे का टाइम दिया है मैंने उन्हें खाने पर। तो जी टाइम 2:45 का हो रहा है, यानी 3 बजने के लिए है, 15 मिनट शेष, लंच वंच हमने कर लिया है, अभी थोड़ी देर पहले ही लंच करके फ्री हुए हम, मतलब 2 बजे के करीब ही हमने लंच कर लिया था, जो जिनको मैंने खाने पे बुलाया था उन्होंने भी खाना खा लिया है, वो वीडियो में नहीं आना चाहते थे, थोड़ी सी शाये है लड़की, कोई बात नहीं। तो 3 बजे हर्षित का स्कूल ऑफ होता है, आज मैं उसको लेके आने वाली हूँ गाड़ी से, क्योंकि बाहर जो है शादी की प्रॉपर तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं, टेंट वेंट लगने स्टार्ट हो गए हैं, तो आज मुझे गाड़ी ऊपर ही रखनी है, ऊपर मीन्स गाड़ी कितनी गर्म है, यहाँ के मौसम की सबसे गंदी बात है आंधी तूफान, सीट इतनी गर्म हो रखी है, मैं क्या बताऊँ, हुई 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 तो बहुत गलत बात है। अब से मैं ऊपर ही रखूँगी पेड़ों की छाँव में गाड़ी लगा के, कहीं जाना हो तो मैं वहीं से जाऊँगी, क्योंकि ये टेंट वाले ना बीच में लगा देते हैं गाड़ी, फिर हम निकल नहीं पाते, लेट हो जाते हैं, तो बेटर है कि हम यहाँ से निकलें। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर शादी की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं, गाड़ी मैं ऊपर ही रखूँगी रोड में, ये देखिए यहाँ पर टेंट लगने स्टार्ट हो गए, वहाँ पर गेट लगेगा, वहाँ पर गेट लगेगा, इधर सब टेंट वेंट लगेंगे और गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं गाड़ी ऊपर ही रखूँगी। फिलहाल चलती हूँ मैं अर्शित को लेने, मिलती हूँ आपको स्कूल में पहुँच के। हम स्कूल में पहुँच चुके हैं, ये देखिए अभी सन्नाटा है चारों तरफ, प्राइवेट व्हीकल तो आ ही चुके हैं लगभग, बट जो गाड़ियाँ हैं ना बैक साइड में स्कूल की, जो बसेज हैं वो बिल्कुल सामने यहाँ पर लग जाती हैं, इधर ये वाली जो जगह है यहाँ पे सामने सारी स्कूल की बसेज पार्क हो जाती हैं, वो प्राइवेट व्हीकल को आगे आने नहीं देती, तो मैंने यहाँ पर देखिए साइड में गाड़ी लगा दी है, सीधा सामने इधर से सीधा निकलेंगे हम, और धूप इतनी तेज़ है कि देखो मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, सामने से एकदम सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पे पेड़ पौधों की कमी है भाई, कुछ भी बोलो। थोड़ी देर अब गाड़ी में बैठ कर ही हर्षित का वेट किया जाएगा। हम आए हैं थोड़ी देर पहले, मतलब आधा घंटा हुआ है हमें आके, हम दोनों को, गाड़ी तो मैंने ऊपर ही लगा दी, आज से मैं फोन स्कूल नहीं लेकर जाने वाली, इतना हैंग होता है ये। इवन मैंने सीट पे रखा था तो सीट इतनी गर्म थी गाड़ी की सीट, और उसकी वजह से फोन भी गर्म हो गया, और बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई मैं। कल से मैं स्कूल फोन नहीं लेके जाऊंगी, यही रखूंगी, फ्रिज में रखूंगी डाल के, इसके तब तक ये कूल रहेगा। तो ये रहा मेरा बेटा, आजकल इसकी कराटे क्लासेस लग रही हैं, जरा बताना कराटे में क्या सीखा तूने? एक्सरसाइज कराई, और क्या कहते हाई पंच, मिडल पंच और लोअर पंच, और हाई ब्लॉक, मिडल ब्लॉक और लोअर ब्लॉक। हमने तो खाना खा लिया है, खाने में मैंने बताया था खाना है आलू की सब्जी है पूरी, आज स्वाति दीदी को मैंने खाने को बुलाया था। मैं पूछ रही वाला था कि स्वाति वासी को खिलाया, दीदी को खिलाया, हाँ उनको खाना खिला दिया है, वो वीडियो में नहीं आना चाहती थी, थोड़ी सी शय है,
तो उनको खाना बना दिया मैंने। कस्टर्ड भी है फ्रिज में रखा मैंने आपके लिए, पूरियां भी बची हैं दो तीन खानी है तो आलू। चलो देखते मेरी आइसक्रीम बनी या नहीं, चलो आ जाओ। रायता भी है, इसने आइसक्रीम जमाने को डाली थी, चलो आ जाओ। देख भाई ये देख सकते हो, ये जो टूथपिक्स मैंने जिसमें लगाई है आइसक्रीम मैंने इसकी बनाई है। मतलब स्क्वैश था, मैंने स्क्वैश को फ्रीजर में डाला, मतलब ट्रे के अंदर डाला और उसके अंदर टूथपिक्स डाल दिया और फ्रीजर में जैसे ही मैंने डाला एक दिन के लिए, और उसके बाद ये हमारे पास चीज़ आई। मैंने उसमें पानी नहीं डाला इसलिए टूट रही है, तो आप उंगली से ही चेस्ट कर लेना स्पून ले। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए मुझे रेस्ट करना है, फिर उठ के अर्षित को होमवर्क करवाऊंगी, फिर निकलेंगे घूमने फिरने के लिए। हो सकता है आज हम कहीं थोड़ा आगे तक जाएं मेरी एक फ्रेंड के, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, गए तो ठीक है नहीं तो नहीं। क्या तो जी हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। समय की अगर बात करूँ तो 6 o'clock के आसपास का समय हो रहा है। स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर सो गई थी, बढ़िया सा फ्रेश हो गए हैं। मेरी एक फ्रेंड है, हर्षित का फ्रेंड एक्चुअली इसका क्लासमेट है, एक लड़का सभय शुक्ला करके नाम है उसका, उसकी मम्मा है जो कि मेरी अच्छी नॉन है। उनका एक स्टोर खुला है, सूट्स का एक स्टोर है, नई शॉप खोली है उन्होंने, काफ़ी पर उनके मैसेजेस आए हैं मुझे, तो मैं जा रही हूँ देखने के लिए, एक्सप्लोरिंग द स्टोर, देखने वाला क्या क्या है उनकी शॉप में। और साथ में है मेरी एक फ्रेंड आई है अभी संदीपा, साथ में मेरी एक फ्रेंड है संदीपा, देखते हैं क्या क्या है उनके शॉप में। दो तीन बार उनके मैसेजेस आ गए मुझे व्हाट्सएप पे कि इंडियन कुछ कलेक्शन है उनके पास, इंडियन वियर, देखते हैं क्या क्या है, कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं वापस आ जाएंगे। गाड़ी आ रही है। तो जी शॉप हमें कहीं नहीं मिली, फाइनली हमने फ़ोन करके पता किया है उनका एड्रेस। एक्चुअली वो काम करती हैं अपने घर से ही सूटों का काम, तो उनका बेटा आया है हमें लेने के लिए जो कि हर्षित के साथ पत्ता है, उनके घर जाके देखते हैं भला कैसे कैसे शूट रखे हैं उन्होंने। ये देखिए ये वाले रास्ते से हम जाएंगे उनके घर पे। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, कुछ तो कर रहे हो। अच्छा ये है नहर, साफ पानी है ये? नहीं थोड़ा देर पीने का पानी है? नहीं पीने। अच्छा सिंचाई करने का है। ये देखिए खूबसूरती मैडम जी के घर की, फ्लावर्स लगा रखे हैं सुंदर सुंदर से। वाह बड़ी सुंदर जगह बनाया भाई घर, एकदम पीसफुल। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर सूट रखे हैं मैडम जी ने, ये मुझे पसंद आ गई थी बट मेरे साइज की नहीं है। ये देखो कितने सुंदर से बर्ड्स हैं, अलग ही वैरायटी है ये तो, है ना? मैंने नहीं देखी कभी ऐसे स्पैरो, मतलब क्या नाम इनका? ये कोको, कोको और ये क्लोई, कोको और क्लोई। अच्छा पता कैसे चलता है आपको कौन सा कोको? अच्छा ये डॉट्स वाला ये जो है ना, ये अच्छा ये डॉट्स वाला कोको है, दूसरे वाला क्लोई है। चलो ठीक है, बड़े प्यारे से हैं, कहाँ से लाए आपने ये? चंडीगढ़ से। वाह ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह पर मकान बनाया है इन्होंने, ये देखिए फ्लावर्स लगे हैं उधर, एप्पल के पेड़ हैं, और इधर देखिए मैंगो भी है ट्रीज। रोड से एकदम दूर है बट काफ़ी खूबसूरत जगह पर बनाया है, एकदम खुली ढुली ताज़ी हवा आती है, पर बगीचे के बीचों बीच। ये देखिए इस तरफ कितना बढ़िया है, पलम के बगीचे हैं साथ में, रोड से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है बट बहुत अच्छी जगह भी, एकदम पीसफुल है, शांति है। तो जी हम हैं इस वक्त, मेरी जो फ्रेंड है जिनके पास मैंने बताया था उनके घर पे हैं। सबसे अच्छी बात ये देखिए घर कितनी खूबसूरत जगह पे बनाया है, चारों तरफ बगीचा, चारों तरफ बाग बगीचे और बीच में घर, जन्नत है भाई जन्नत। ये देखिए बैक साइड पे ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इधर देखिए ये पूरी लैंड चारों तरफ पिंकी है, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे सूट्स हैं इनके पास, वैरायटी है, मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी अभी नहीं है, अभी इनका माल आना भी है, तो एक दो चीज़ें तो मुझे अच्छी लगी थी बट वो मेरे साइज़ की नहीं थी। सबके लिए बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगी मैं इनके सूटों का, प्लाजो सेट का, शरारा सेट का, कुर्तियों का। तो फ़िलहाल हम जो ख़रीदने के लिए आए थे, थोड़ा सा चॉइस में भी नहीं मैं कहूँगी, चॉइस तो आ भी गया था, पसंद आ भी गया था, क्योंकि शरारा मुझे लेना नहीं था, मुझे पैंट प्लाजो वाला कुर्ता सेट लेना था, बट एक शर्ट मुझे पसंद आ गई थी, मैंने पहन के भी देखी, उसका गले का काफ़ी सुंदर वर्क था बट वो साइज़ में नहीं थी मेरे। सबसे अच्छी बात वही, ये देखो चारों तरफ देखिए आप, खूबसूरती देखिए आप, ये देखिए, और छोटे छोटे दो बर्ड्स भी हैं इनके पास। चलिए चलते हैं नीचे। क्या कर रहे तुम लोग? साइकिल दिखा रहा था। साइकिल कहाँ, बाथरूम में रखी है सब्या? स्टोर, स्टोर स्टोर में।
ठीक है फिर बाय। ओके बाय। कहाँ गया सभ्या? सभ्या बाय बाय। चलो फिर हम चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आएंगे। ओके जरूर आना है ना। हाँ ठीक है पक्का। ठीक है ठीक है, अब तो आपको पता लग गया। हाँ हाँ, मैंने काफ़ी आगे पार्क कर ली क्योंकि हमें घर का आइडिया नहीं था। हम तो ये सोच के चले थे कि शायद उनकी शॉप होगी। अच्छी इन्होंने मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत है हमारे बीच में। जो लड़का था सभ्य शुक्ला, वो हर्षित का फ्रेंड है, साथ में पढ़ते हैं दोनों। जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तभी मिलना जुलना होता है हमारा, अदरवाइज तो हो नहीं पाते क्योंकि स्कूल तभी आ पाते हैं। तो आप चलते हैं घर की तरफ, गाड़ी में टर्न ले लेती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी अभी जस्ट हम पहुँचे हैं वहाँ से जहाँ मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर पे, और गाड़ी मैंने वापस उसी जगह पे लगा दी हाईवे पे। बाहर पैक हो चुका है पूरा एरिया, तो मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। खाने की बताऊँ, भर के है कढ़ाई आलू की सब्ज़ी की, और इधर राइस भी है, कस्टर्ड भी है, ठीक है, और बीन्स की सब्ज़ी भी है, चपाती बनानी है, और पूरी वाला इवन आटा भी है क्योंकि। तो फिलहाल मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं ज़रा पूजा पाठ करने के बाद। तो जी टाइम इस वक्त 8 बज रहे हैं। 8 बजे हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी अभी मेरे भैया का मुझे फ़ोन आया कि जो मेरी भतीजी की शादी हुई है वो पग फेरे के लिए घर आई थी, तो भैया यहीं आ रहे हैं, इधर से ही क्रॉस होके जाएंगे वो उसके ससुराल, तो उसको छोड़ने जाना। तो भैया मानी रेजिद कर रहे हैं कि तुम भी चलो साथ में, क्योंकि थोड़ी 1 घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे। खाना खाना है, दुल्हन को वहाँ छोड़ना है, फिर वापस आना है। तो चलिए चलते हैं। मानी नहीं रहे थे, जिद कर रहे थे, और ये भी जिद कर रहा था। मैंने कहा चलो, बहुत अच्छी बात यह है कि इसने होमवर्क सब निपटा दिया है। पहुँचे थे हम घर पर, पूजा पाठ करी थी, एकदम से भैया का फ़ोन आ गया कि चलो और चलो साथ में चलो, लेने आ रहे हैं, छोड़ भी दूंगा और लेने भी आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो जी ये रहे हमारे फैमिली वाले, जी देखिए भैया भी आ गए। चलते सडन अचानक से कैसे बोलते हैं आप। यहाँ से टर्न लेंगे हम शिंगड़ा के लिए, ये देखिए। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू, फाइनली गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू फाइनली। ये देखो ये कितनी सुंदर लग रही है, ब्राइट लाइट पड़ रही है गाड़ी की थोड़ी सी, है ना। ये तो बहुत अच्छा किया ये बना के, थोड़ा सा पता लगना चाहिए कि हम निर्मंड के हैं। लो लो अब लो इस साइड से। हाँ हाँ अब अच्छा लग रहा है, ये देखो प्रणाम, सुंदर लग रही है। तो जी हम पहुंच चुके हैं गांव के, थोड़ा सा बाहर हैं। यहां से हमें ऑन फुट जाना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है। ये देखिए ये है शिंगड़ा वाला रोड, ये जो आगे जाता है आई थिंक लालसा के लिए। कहाँ तो जी हम शालिनी के घर पे पहुंच चुकी हैं, मतलब ससुराल में। ये देखिए माला और तिलक के साथ हमारा वेलकम हुआ है। ये है हमारे रिचुअल्स हिमाचल के गांव के, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये है हमारी फैमिली के बच्चे। तो जी आज के फंक्शन की मैं खास बात आपको बता दूं, जब पगफेरे की रस्म से दुल्हन वापस अपने ससुराल के लिए आती है तो डांस किया जाता है, मतलब दूल्हा दुल्हन को नचाया जाता है ढोलक के साथ, जैसे लेडी संगीत में कीर्तन जैसा होता है। वो है यहाँ का मेन फंक्शन आज का जो है। हमने खाना वाना खा लिया, खाना तो नहीं खाया, स्नैक्स खाया। अभी अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी खातिरदारी हो रही है। दुल्हन की बहन है ये, दुल्हन की बहनें हैं, मैं हूँ बुआ जी, हमारी काफ़ी अच्छी खातिरदारी हुई है। देखिए इधर धाम बन रही है, जितने भी आज आए थे इनके गेस्ट लोग गाँव से, सबके लिए खाना बन रहा है। हम भी खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद दूल्हा दुल्हन को नचाया जाएगा। ये देखिए एक रस्म है जिसमें ढोलक और जो चिमटा होता है, वाद्य यंत्र होते हैं, इन्हें पूजा जाता है, उसके बाद ये लोग डांस करेंगे। Yeah.
हम निकल चुके हैं, गाड़ी फिट हो चुके प्याज टमाटर की तरह फ्रंट सीट पे। क्यों खाली है, पीछे देख पीछे खाली है, आगे बैठे हम दोनों। तो फाइनली हम निकल चुके हैं शालिनी के घर से, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है वहाँ से यहाँ तक रोड तक आते आते, थोड़े से टायर्ड हो गए हम, तो अभी निकलते हैं घर पहुँच के बात करते हैं आपसे। देखिए तिलक लगा लगा के अति कर दिया। तो जी अभी अभी जस्ट हम पहुँचे हैं, टाइम इस वक्त 12 बजे का हो रहा है, 12 बजे पहुँच रहे हैं हम अभी, क्योंकि वहाँ पर डांस चल रहा था। उनकी एक रस्म होती है कि जब दूल्हा दुल्हन जो है शादी करके मीन्स पग फेरे की रस्म से जब दुल्हन लौट के वापस अपने ससुराल के लिए आती है, तो वहाँ पे दूल्हा और दुल्हन को गानों के साथ ट्रेडिशनल सॉन्ग के साथ नचाया जाता है। वो रस्म बाकी बची थी, और उसमें क्या होता है कि जो हम हैं मतलब दुल्हन के मायके वाले थे, हम लोगों को दुल्हन के ऊपर से पैसे घुमा के जो गाने वाली होती हैं, गीत गाती हैं, जो उनको देने पड़ते हैं, वो एक लास्ट रस्म थी। उसके बाद हम सीधा खाना हमने पहले ही खा लिया था, सीधा हम आ गए हैं घर, तो काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, बस बचा है सिर्फ सोना। वीडियो की एडिटिंग तो मुझे अब कल ही करनी पड़ी क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब माई YouTube चैनल विच इज़ बेबीज़ ब्लॉग फन एंड मस्ती, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो कि आप अक्सर भूल जाते हो, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा जिससे आपके पास मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।